नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम पाउलो फ्रेयर के जो एजुकेशनल व्यू है उसका लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, तो उसके विषय में आज पढ़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। फ्रेयर्स एजुकेशनल व्यू हमारा चल रहा था, आज उसका डी पॉइंट है रोल ऑफ टीचर एंड लर्निंग सिचुएशन, जिसका हिंदी में अर्थ है शिक्षक और सीखने की स्थितियों की भूमिका। किसमें? फ्रेयर्स एजुकेशनल व्यू, फ्रेयर के शैक्षणिक दृष्टिकोण में शिक्षक और सीखने की स्थितियों की क्या भूमिका है, जो उन्होंने डायलॉग मेथड बताया है उसमें रोल ऑफ टीचर और लर्निंग सिचुएशन क्या है उसके विषय में आज पढ़ते हैं हम, और वो तीन पॉइंट में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, गंभीर शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक और छात्रों में संबंध जो है गंभीर होने चाहिए, उसको क्लियर किया है तीन पॉइंट में। पहला उन्होंने बताया, फ्लेयर की शैक्षणिक शिक्षा की एक अनोखी विशेषता है समतावादी, समानता पर उन्होंने जोर दिया है। शिक्षक छात्रों के बीच संबंधों का सम्मान होना चाहिए, शिक्षक छात्रों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक छात्र संबंध क्षैतिज और लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पारस्परिक स्वीकृति और विश्वास, एक दूसरे को ऐसा व्यवहार करें कि छात्रों और शिक्षकों को स्वीकृत भी हो और विश्वास करने के लायक हो, और पारस्परिक स्वीकृति और विश्वास के माहौल से इस चीज़ को समृद्ध किया जाता है। एक बार और देखते हैं, शिक्षक छात्र का संबंध क्षेत्रीय और लोकतांत्रिक है, पाउलो फ्रेयर कहते हैं पारस्परिक स्वीकृति और विश्वास के माहौल से ये समृद्ध होता है। तीसरा पॉइंट है, छात्र शिक्षक से ज्ञान ग्रहण करता है। एक समय ऐसा आता है कि छात्र और शिक्षक में कोई अंतर नहीं रह जाता है, छात्र भी शिक्षक हो जाता है, तब शिक्षक और शिक्षक में संवाद होता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई गुरु का चेला इतना ज़्यादा मतलब पढ़ लेता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर होती है तो उस गुरु को होती है जिसने उसे पढ़ाया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ज्ञान का सहनिर्माण। पहला पॉइंट बताया गंभीर शिक्षक छात्र संबंध, दूसरा पॉइंट है ज्ञान का सहनिर्माण। इसमें उन्होंने क्या कहा कि फ्रेयर के अनुसार कक्षा में छात्रों और पुनर्विचार के बीच बातचीत से नए ज्ञान का उत्पादन किया जाता है। जब छात्र और छात्र आपस में बातचीत करते हैं, मतलब जब एक छात्र दूसरे छात्र से किसी विषय पर बातचीत करता है, चर्चा करता है, तो उससे कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक उसी प्रकार जब शिक्षक किसी छात्र से किसी विषय पर चर्चा करता है, जो शिक्षक के पास ज्ञान है और जो छात्र के पास ज्ञान है उसमें जब तालमेल बैठता है तो किसी नए चीज़ के, नए सिद्धांत की निर्मिति होती है। अस्वस्थ अधीर सतत जांच वाले शिक्षार्थियों के माध्यम से दुनिया के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ा जाता है। दुनिया में सब कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं, सबके पास ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जब वो स्कूल से संपर्क करते हैं, स्कूल की परिधि में आते हैं, तब शिक्षक और छात्रों में सहसंबंध और ज्ञान का आदान प्रदान होता है वार्ता के माध्यम से, तब वो सीखते हैं। अगला है, ज्ञान के सहनिर्माण की सुविधा के लिए शिक्षकों को छात्रों के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और अपने ज्ञान की सीमाओं के बारे में विनम्र रहना चाहिए। शिक्षक के पास बहुत सारा ज्ञान है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका कभी उससे अभिमान नहीं होना चाहिए। और छात्र के पास कम ज्ञान है, इससे छात्र को निराश और हताश नहीं होना चाहिए, और न ही शिक्षकों द्वारा छात्रों को ब्लेम करना चाहिए, बल्कि छात्र के ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए और शिक्षक के ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए, और आपस में वार्तालाप और बातचीत के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करके ज्ञान को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये होगा ज्ञान का सहनिर्माण। शिक्षक से भी ज्ञान निर्मित होता है, छात्र से भी ज्ञान निर्मित होता है।
तीसरा इन्होंने बताया लर्निंग साइकिल, लर्निंग सर्किल। लर्निंग सर्कल एक गैर पदानुक्रमित क्लास मॉडल है जहां प्रतिभागियों ने जनशक्ति विषयों पर चर्चा की और उनके जीवन संदर्भ के महत्व को रखते हुए काम किया। लर्निंग सर्कल एक गैर पदानुक्रमित क्लास मॉडल है और जहां प्रतिभागियों ने जनशक्ति विषयों पर चर्चा के माध्यम से जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर चर्चा के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। और अगला है, इसमें चर्चा के द्वारा लोकतांत्रिक स्थान का निर्माण करना शामिल है जहां हर व्यक्ति के आवाज़ को वजन मिलने चाहिए। किसी जब मेन क्या होता है कि जब कोई चीज़ कह रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसे सुनना चाहिए, वो चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो। जब तक हम सामने वाले की बात को, उसकी भावनाओं को, उसके अनुभव को, उसके विश्वास को हम सुनेंगे नहीं, तब तक बातों को हम समझेंगे नहीं। तो दोस्तों यही जो है इनका डायलॉग मेथड था जिसके विषय में जो है एजुकेशनल व्यूज जो है उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण में आज ये लास्ट टॉपिक था जिसमें रोल ऑफ टीचर एंड लर्निंग सिचुएशन के विषय में बताया गया। तो दोस्तों अभी इसमें और दो लेक्चर लगेंगे कि पाउलो फ्रेयर की जो पढ़ाई है उसकी विशेषताएं क्या है, और एक अंतिम एक टॉपिक है उसमें ये टॉपिक पूरा पाउलो फ्रेयर का ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसे चाहिए वहां तक पहुंचाएं, और कुछ सुझाव हैं, कुछ नोट्स की मांग है तो आप कमेंट द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।